हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ULPIN व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटेड टू विच फील्ड। तो यूलपिन जो खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लैंड रिसोर्सेस। याद रखिये, लैंड रिसोर्सेस से रिलेटेड ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसका फुल फॉर्म है यूलपिन का दोस्तों, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर असम। याद रखिए, असम जो राज्य है उसके लिए लॉन्च करा गया था। इट वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। दोस्तों हमारे देश में आपको पता है लैंड रिसोर्सेस का डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों लैंड को बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कब्जा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर एक बार ये लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटल मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत दोस्तों, उल्पिन के इनिशिएटिव के अंतर्गत ही 14-डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल जियो स्पेशल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इशूड। ठीक है, और इट इज सीन एज भू आधार फॉर एवरी लैंड पार्सल ऑफ द स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रिलीज्ड अ क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड लेड डाउन 30-ईयर रोड मैप टू टैकल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित करा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई ने, याद रखिए ये मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च करा है 30 सालों के लिए दोस्तों, ताकि ये टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इसके अलावा इंडिया ने भी टारगेट रखा है कि 2070 तक हम लोग जो है नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे दोस्तों। नेट जीरो कंट्री बनने का टारगेट रखा है हम लोगों ने 2070 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जेनेवा कन्वेंशंस व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो हाल ही में खबरों में रहा जेनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूल्स फॉर कॉम्बैटेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, यानी युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियमों से संबंधित है ये जेनेवा कन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, आपको पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए ये जो कन्वेंशन है न्यूज में रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रशियाज आर्म्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन सेवरल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स हैव बीन इंपैक्टेड, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अराउंड द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो दोस्तों ये कन्वेंशन कहती है, ये जेनेवा कन्वेंशन कहती है कि भाई जब भी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो, तो भाई वो लड़ाई जो है ना क्या कहते हैं, आर्मी के बीच में ही होनी चाहिए। सिविलियंस, स्कूल वगैरह हो गए, जो आम लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, तो ये कन्वेंशन ये कहती है। लेकिन आपको पता है अभी रशिया जो है बॉम्ब वगैरह कर रहा है, तो जो आम लोग हैं, स्कूल वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टी है आम लोगों की, वो भी तबाह करी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आयरन एज स्टोन नोन एज मेनहीर ऑफ वाइट कलर हैज बीन अनअर्थ्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो सफेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये तेलंगाना में मिला है मेनहीर नाम का पत्थर दोस्तों। ठीक है, और ये स्पोर्ट करा गया था दोस्तों रोड साइड एट एलारी गुदेम अ हैमलेट ऑफ महाबोधाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पाया गया है और इसका माना जा रहा है ये लगभग 3500 साल पुराना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च्ड क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड। तो किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ट प्लस HDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च करा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, HSBC म्यूचुअल फंड ने ये लॉन्च करा है। याद रखिए इस इंडेक्स का नाम, ये अजीब सा नाम है, गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड। ठीक है, और एक ये दोस्तों जो है ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है, ट्रैकिंग क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ट
प्लस एसडीएल इंडेक्स अप्रैल 2028। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वेस्टर्न रीजन फॉर द ईयर 2022-23। तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोस्तों, सुनील कोडिया। याद रखिए सुनील कोडिया को चुना गया है क्या दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वेस्टर्न रीजन का क्या चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वैक्सीनेशन डे टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 16 मार्च को, याद रखिए क्या मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। और 16 मार्च 1995 पे दोस्तों द फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन डोज वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री, इसीलिए मनाया जाता है, याद रखिए। और द डे इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। और वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, याद रखिए, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये थीम है 2022 की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF रेजिंग डे मनाया जाता है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डैश साइंड एन MOU ऑन 15 मार्च 2022। तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और डैश ने 15 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, किसने दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, जिसे शॉर्ट में JNU कहते हैं, इसने और अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ने MOU साइन करा है। और ये MOU क्यों साइन करा है, ताकि दोस्तों ये साइन कराया गया है ताकि ये लोग जो है प्रमोट कर सकें और एक्सचेंज कर सकें, प्रमोटिंग एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स, समझे या नहीं समझे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपिया वेजवानी बांदा पास्ड अवे इन मार्च 2022। तो अजीब सा नाम है, अगर मैं अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो मार्च 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया वेजवानी बांदा का निधन हो गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये जाम्बिया के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका, करेंसी यहाँ की है जाम्बियन क्वाचा और करंट प्रेसिडेंट अभी है हकाइंदी हिचिलेमा, ये यहाँ के हकाइंदी हिचिलेमा करंट प्रेसिडेंट है। आप जाम्बिया की लोकेशन भी देख लीजिए दोस्तों, ये है जाम्बिया देश, दिख रहा है। जाम्बिया के अगल बगल में भी देख लीजिए दोस्तों, ये है जिम्बाब्वे, ये है मोजाम्बिक जो है बिल्कुल इंडियन ओशन से बॉर्डर टच करता है, यह तंजानिया, यह साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है लेसोथो। लेसोथो याद रखिए पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका से ढका हुआ है। जाम्बिया के बगल में अंगोला है, नामीबिया यहाँ पे है, बोट्सवाना है, और यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, समझे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोविंग्स हैज वॉन द बेस्ट एक्टर इन आर ड्रामा सीरीज एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2022। तो निम्नलिखित में से किसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ली जंग जाए। याद रखिए ली जंग जाए ये साउथ कोरिया के एक्टर हैं और इन्होंने एक ड्रामा सीरीज थी जिसका नाम था स्क्विड गेम्स, ये बहुत ही ज्यादा इंडिया में फेमस हुई थी दोस्तों स्क्विड गेम, और इसमें इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए विल स्मिथ फेमस एक्टर हैं, इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था फॉर किंग रिचर्ड, व्हाइल जेसिका चेस्टेन वन द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द आई ऑफ टैमी फाइव। दोस्तों इन लोगों ने अपने अपने रोल के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, विल स्मिथ और याद रखिए जेसिका चेस्टेन दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा
मेलानी लिंस्किन ने दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था ड्रामा सीरीज में, ठीक है, और टेड लसो ने बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए अवार्ड जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आपको पता है 27th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स प्रेजेंट करे गए थे 13 मार्च 2022 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 13 मार्च 2022 को प्रेजेंट करे गए थे और बेलफास्ट एंड वेस्ट साइड स्टोरी लेड द फिल्म नॉमिनेशन विद 11 ईच फॉलोड बाय ड्यून एंड द पावर ऑफ द डॉग विद 10 ईच। तो याद रखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला द पावर ऑफ द डॉग को। जेन कैंपियन वन द बेस्ट डायरेक्टर फॉर द पावर ऑफ डॉग, याद रखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला किसको, जेन कैंपियन को, इन्होंने फिल्म बनाई थी द पावर ऑफ द डॉग। ड्राइव माय कार वन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, याद रखिए ये फिल्म का नाम है ड्राइव माय कार, वन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। नो टाइम टू डाई वन द बेस्ट सॉन्ग, ये सॉन्ग का नाम है दोस्तों। जूड हिल वन द बेस्ट यंग एक्टर एक्ट्रेसेस कैटेगरी फॉर द बेलफास्ट वन द बेस्ट एक्टिंग एंसेंबल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 27 ब्रिजेस इन बॉर्डर एरिया। तो सीमा क्षेत्र में 27 पुलों के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। अगर आपको पता है दोस्तों हमारे बॉर्डर एरिया में रोड कौन बनाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन करा है थी, ठीक है दोस्तों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और जिसके मिनिस्टर हैं आपको पता है अमित शाह, ठीक है दोस्तों, अमित शाह होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है भगवंत मान वॉज स्वोन इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो भगवंत मान ने किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब के, आपको पता है ये मुख्यमंत्री बने हैं और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। पंजाब में टोटल लोकसभा की सीट 13 हैं, राज्यसभा की सीट दोस्तों यहाँ से 7 हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 22 हैं। स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, याद रखिए स्टेट बर्ड है नॉर्दर्न गोसवॉक। डैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक रणजीत सागर डैम पाया जाता है जो कि रावी रिवर पर बना हुआ है। कुछ रजिस्टर्ड GI टैग भी हैं जैसे फुलकारी है और बासमती राइस यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस है। पंजाब की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, ये है पंजाब, ये पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और याद रखिए चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज क्लियर्ड द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी स्टेक इन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जनरली पार्टिसिपेशन नीदरलैंड्स NV ने ये जो है दोस्तों क्या कह रहे हैं, ये क्या करेगी कंपनी दोस्तों, ये हिस्सेदारी करेगी किसमें दोस्तों, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में दोस्तों, ठीक है। कितनी हिस्सेदारी करेगी आप भी देख भी सकते हैं दोस्तों, जनरली पार्टिसिपेंट विल एक्वायर अबाउट 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हेल्ड बाय फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु चेयर्ड द 6th एक्ट ईस्ट फोरम विद जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी। तो भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ 6th एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हमारे दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी हैं। कौन है दोस्तों, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं और इन्होंने अभी 15th मार्च 2022 को चेयर करा था 6th एक्ट ईस्ट फोरम विद जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आपको पता है हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस करा था, पहले इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब हमें ईस्ट की तरफ देखना है, हमारा ये भारत है ना, भारत के तरफ ईस्ट वाले जितने देश हैं जैसे म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे के सारे जो देश हैं इनकी तरफ हमें अपने रिलेशन स्ट्रांग बनाने हैं, तो इसी से रिलेटेड ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। समझे या नहीं समझे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क विद सीड मनी ऑफ ₹230 करोड़ वॉज लॉन्च्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान में
230 करोड़ रुपए की सीड मनी के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च करा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आईएससी बेंगलोर। याद रखिए आईएससी बेंगलोर में ये रोबोटिक्स पार्क लॉन्च करा गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आर्ट पार्क दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और दोस्तों ये जो पार्क है क्या करेगा दोस्तों, ये जो पार्क है इस पार्क का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों चैनलाइजिंग इनोवेशंस टू क्रिएट अ सोसाइटल इंपैक्ट बाय एग्जीक्यूटिंग एम्बिशियस मिशन मोड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ केयर एजुकेशन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर रिटेल साइबर सिक्योरिटी। तो दोस्तों इन सारी फील्ड्स में जो है इनोवेशन लेके आना और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ये इस पार्क का काम होगा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर, बी नहीं सी है दोस्तों ऑप्शन में, लेकिन हरियाणा समझ गए ना, हरियाणा राइट आंसर है। याद रखिए वर्ल्ड पीस सेंटर एस्टेब्लिश करा जाएगा, इसका नाम होगा अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एम्बेसडर ऑफ पीस जैन चार्य डॉक्टर लोकेश जी विल एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इन गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल दोस्तों आपको अभी बताई चंडीगढ़ है, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेया है, स्टेट एनिमल ब्लैकबक है, स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन है, नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं जैसे कि कौशल्या डैम यहाँ पे पाया जाता है, उटू बैरेज है दोस्तों, अनागपुर डैम जो है यहाँ पर ही पाया जाता है। हरियाणा की लोकेशन देख लीजिए, दिल्ली से बॉर्डर टच करता है बिल्कुल, और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज वन द बिड टू होस्ट FIDE चेस ओलंपियाड 2022 इन विच सिटी। तो भारत ने किस शहर में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली जीती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए चेन्नई में जो है हम लोग FIDE चेस ओलंपियाड 2022 को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, क्या है तमिलनाडु की राजधानी है, और एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने करा है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव नितिन गडकरी ने इस योजना शुरू करी है, क्योंकि भाई ये हमारे ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं तो यही लॉन्च करेंगे भाई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट करा पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको पता है दोस्तों हम लोग जो है डीजल पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग जो है हाइड्रोजन बेस्ड जो है एडवांस्ड फ्यूल इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो है हमारी एनर्जी की नीड भी पूरी हो सके और हम जो है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी ना फैलाएं। अगला क्वेश्चन है एज पर द स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स एज पर द स्पेशल बुलेटिन ऑन MMR रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार भारत के महापंजीकीय द्वारा जारी MMR पर विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत के मात्र मृत्यु अनुपात जिसे MMR कहते हैं में कितने अंक की गिरावट आई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 10 पॉइंट्स की गिरावट आई है। अब मैं ये समझाता हूँ आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है। दोस्तों मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये होता है कि भाई एक एवरेज हमारे देश में जितनी भी एवरेज औरतें हैं वो जब बच्चे को जन्म देती हैं दोस्तों, ठीक है, बच्चे को जन्म देते समय कितनी औरतों की मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। समझे कि नहीं समझे, टोटल वुमेन ने बच्चे जन्म दिए उसमें से कितने औरतों की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस यूथ कंपटीशन। तो पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में
स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वनाथ सुरेश और वंशराज ने ये गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिए विश्वनाथ सुरेश ने 48 किलो की कैटेगरी में जीता है और वंशराज ने 63 किलो की कैटेगरी में याद रखिए गोल्ड मेडल जीता है। इसमें किसमें? मेंस यूथ कंपटीशन इन मार्च 2022। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। द इंडियन कंटिजेंट कंक्लूडेड इट्स कैंपेन विद 39 मेडल्स इंक्लूडिंग 15 गोल्ड्स एट एशियन यूथ जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अरमान जॉर्डन। याद रखिए एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि अम्मान जॉर्डन में हो रही थी, यहाँ पे दोस्तों भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 39, जिसमें से 15 गोल्ड हैं। ठीक है, हॉल ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अलावा भारत ने 10 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज जीते हैं, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड ओवर ₹506 करोड़ फॉर हाउ मेनी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालयन रीजन अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत हिमालय क्षेत्र में कितनी खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ₹506 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए ऑप्शन बी 77 इज द राइट आंसर। 77 जो है परियोजनाएं, एक तरीके से 77 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है शुरू करे जाएंगे अंडर खेलो इंडिया मिशन। दोस्तों खेलो इंडिया मिशन वही है जिसके तहत दोस्तों हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है खेलों को प्रमोट करती है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित करा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर, ये एक क्रिकेटर हैं और इन्हीं को दोस्तों फरवरी का मंथ ऑफ द प्लेयर डिक्लेयर करा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमुदबेन जोशी हु हैज पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो कुमुदबेन जोशी जिनका निधन हो गया है वो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी और इन्हीं का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है अमरावती है ये राजधानी है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।